हेलो, आप लोग कैसे हैं। मैं हूँ रिंकी। मेरा चैनल है रुको किचन। अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे। आज मैं बनाऊंगी मालपुए। ये होली और दीपावली किसी भी फेस्टिवल में बहुत ही शौकिया तौर पे लोग बना के खाते हैं। आइए हम बनाने चलते हैं। कटोरी चीनी ले लिए हैं, एक कटोरी दूध, एक कटोरी मैदा और मैं इसमें ऐड करूंगी खोआ, दो केले, केला ज़्यादा यूज नहीं करें, और इलायची, किशमिश और नारियल को क्रश करके मैंने रख लिया है। अब मैं इसका पेस्ट तैयार करूंगी। मैदा को अलग कटोरा में रख लिया है, उसमें इलायची पाउडर, किशमिश और नारियल जो क्रश किया वो डाल देंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी खोआ। अब चीनी हाफ ही रखूँगी। अब इसमें मैं ऐड करूँगी दो केले और दूध डाल के मैं इसका पेस्ट तैयार कर दूँगी। ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गढ़ा, इस तरीके से पेस्ट का तैयार करें आप। एकदम परफेक्ट आपका मालपुआ बनके तैयार हो जाएगा, ना टूटेगा ना फूटेगा। इस तरीके से पेस्ट बना दे। इसको थोड़ी देर हम फूलने के लिए रख देते हैं। तब तक मैं इसका चाशनी तैयार कर लेती हूँ। एक कटोरी चीनी ले लिया है, आधे कटोरी पानी, बराबर मात्रा में पानी और चीनी नहीं डालें। अब मैं इसको चाशनी बनाऊँगी। इसका चाशनी इस तरीके से बना। अब मैं इसमें एक दो चम्मच दूध डाल दूंगी क्योंकि चाशनी फ्रेश हो जाए, इसकी गंदगी निकल जाए। चाशनी को तार जैसा बनाना नहीं है, इसको बस चिपकना चाहिए। शहद होता है ना, उस तरीके से बस गाढ़ा होना चाहिए, तार नहीं बनाए, क्योंकि हम मालपुआ का चाशनी बना रहे हैं। ये मेरा चाशनी रेडी हो जाएगा बनके। मैं गैस को, इलायची डाल दिया इसमें, अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। मेरा चाशनी बनके रेडी हो गया है। अब मैं पुआ तल के चाशनी में डुबाऊंगी। देखिए कितना परफेक्ट बना है पुआ। सारे पुए को इसी तरह तल लूँगी और चाशनी में डुबा लूँगी। ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी लगती है। अगर कोई मिठाई खाने का मन हो, घर में नहीं हो, तो झटपट में बना ले मालपुआ। सारे पुए को मैं चाशनी में डुबा रही हूँ इस तरीके से। मैं इसको एक एक करके निकाल लूँगी, अलग बर्तन में शॉप कर लूँगी। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरी पुआ बनके रेडी हो गई है, मालपुआ। एक बार ट्राई करके देखें इस तरीके से।